कई स्टूडेंट्स जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके तैयारी के तरीके को देखकर मुझे लग रहा है कि अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया इनका, तो इनके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। हम सबकी एक आदत होती है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरे पर टाल देते हैं, दूसरे का नाम लेते हैं। हम हमारे संदर्भ में तो जब बात आती है तो हमारे संदर्भ में तो हम कई एक्सक्यूज दे देते हैं, ये समस्या थी, वो समस्या थी, लेकिन दूसरे का जब संदर्भ आता है, दूसरे की जब बात आती है, तो हम उस समय इस तरीके से निर्णय देने लगते हैं जैसे उसके जीवन में कोई समस्या रही ही नहीं होगी। पटवारी के लिए अभी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से पूरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सक्यूज देने लगे, अगर आप बहाने बनाने लगे, तो यकीन मानिए आपको इतना पछतावा होगा और इसकी भरपाई भी नहीं होगी। जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो, बाद में कर लिया तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये वैकेंसी अगर आप नहीं निकाल पाए तो ये भी हो सकता है कि फिर आपको ऐसा समय ना मिले, इतना टाइम ना मिले और इस तरीके से आप तैयारी नहीं कर पाए। हो सकता है आज आपके पास संसाधन पूर्ण हो, आपके पास समय पूर्ण हो, आपके पास हर व्यवस्था हो, लेकिन आपके बहानों के चलते आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर व्यर्थ रीजन है जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो यकीन मानिए कि बड़ा पछतावा होगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा, यार पटवारी की वैकेंसी लेट आएगी, बाद में आएगी, नोटिफिकेशन तो पहले आने दो, फिर तैयारी करूंगा। लेकिन सोचकर देखिए, केवल सिर्फ इतना सोचिए कि मेरा उद्देश्य केवल पटवारी बनना है, और अगर नहीं बन पाए, 2 मिनट के लिए सोचकर देखिए इस बात को। हम इतने उलझे हुए हैं हमारे व्यर्थ के कामों में कि हम सोच ही नहीं रहे कि जो हमारा पूरा जीवन बिताना है, इस जीवन में हमें करना क्या है, हमें कैसे करना है। आज हो सकता है माँ बाप के पैसों पर, माँ बाप के चीजों से आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, जीवन ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन सोचकर देखिए कि आज आपको वो पैसे दे रहे हैं, आज आपका जीवन पूरा उन पर निर्भर है, लेकिन कल को आपको आपके जीवन को संभालना है, पूरी जिम्मेदारियों को संभालना है, तो फिर उस समय आप क्या करेंगे। जिंदगी जब आपको धकेलेगी ना, तो बड़ा कठोर दौर रहेगा, वो बहुत कठिन दौर रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आप पटवारी नहीं बनते हैं, तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप ही रहेंगे, सिर्फ आप रहेंगे। भले ही आप एक्सक्यूज बना दीजिए, उससे किसी को लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सफलता मायने रखती है, आप सफल है या नहीं। इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी और मेहनत कीजिए, अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना 100% दे। बस आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके मन में मलाल रह जाए कि यार इसमें कहीं ना कहीं कमी मेरी है। बाकी ज़िंदगी आपकी है, निर्णय आपको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।